फिर क्या कर रहा हूँ? What? मम्मी बोली what? That means Vasu has eaten 10 dosas. इसका मतलब Vasu ने 10 dosas खा ली. She said Vasu, Vasu, come here at once. She cried. Vasu, Vasu, एक बार यहाँ आओ. उन्होंने बुलाया. Thank you for the 10 delicious crispy dosas. वासु आके बोला कि अम्मा 10 स्वादिष्ट डोसास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. वासु से थैंक यू. वासु मैं बोला और हंसते हुए चला गया. फिर क्या था? आई एम हैंग्री. प्रभु क्राई. प्रभु चिल्लाया मैं भूखा हूँ. देयर इज नो मोर बैटर. अब तो बैटर भी नहीं. आई कांट मेक एनी मोर डोसास. मैं और डोसास नहीं बना सकती हूँ. आई विल गिव यू कर्ड राइस. मैं तुम्हें कर्ड राइस देती हूँ. अम्मा से एंड लुक क्रॉसली एट वासु. अम्मा ने अम्मा बोली और गुस्से से वासु की तरफ देखा. नो आई वांट माय डोसा. नहीं मुझे मेरे डोसा चाहिए. हाउ कैन यू मिस्ट्रीट मी फॉर हिम. ये मेरे लिए तुम ऐसे इसके साथ कैसे ऐसा भूल सकती हो? मुझे समझ नहीं पाए तुम. साफे प्रभु. प्रभु बोला द सेम वे शी मिस्ट्रू यू फॉर मी एंड गेव यू टू चॉकलेट्स ऑन आवर बर्थडे. इसी तरह आपने मेरे हमारे बर्थडे पर इसको दो चॉकलेट्स दे दी थी. आप नहीं समझ पाएंगे. वासु सेड लाफिंगली. वासु हंसते हुए बोला इस आपने समझाया कि इसके से कभी चॉकलेट आपने मुझे दे दिया था. ओ आई एम फेड अप ऑफ दिस डबल मेडल. ओ मैं तो इस डबल के कंफ्यूजन से परेशान हो गई हूँ. अम्मा क्राई ले रही. अम्मा गुस्से से चिल्लाई. तो ये थी आपकी डबल मेडल स्टोरी. कैसी रही स्टोरी? बहुत ही इंटरेस्टिंग है. आप सबने स्टोरी ध्यान से समझ ली होगी. अब क्या करेंगे? घर पर स्टोरी को अच्छे से फिर से रीड करेंगे. उसका मतलब समझने की कोशिश करेंगे. जिस लाइन पर जिस सेंटेंस में जहाँ प्रॉब्लम होगी आप उसे पूछेंगे. और अब हम लोग क्या करेंगे? कुछ वर्ड हार्ड वर्ड्स हमने आपके लिए नोट किए हैं. फर्स्ट है डबल, सेकंड है एब्सेंस, थर्ड है फॉरवर्ड, फोर्थ है मडल, फिफ्थ है क्रिस्पी, सिक्स्थ है बैटर, सेवन्थ है डिलीशियस, एट्थ है मिस्टो, नाइन्थ है चॉकलेट्स एंड टेंथ है वॉरिटेन. ये 10 हार्ड वर्ड्स हमने नोट किए हैं. आप इनको अपनी कॉपी पर हार्ड वर्ड्स नोट करेंगे. देन इन्हें रिपीट भी करेंगे. इस तरह से रिपीट करेंगे. स्पेलिंग इस पर ग्रिप बनाएंगे. और अब हम लोग उस चैप्टर के हर वर्ड मीनिंग्स पर आते हैं. फर्स्ट वर्ड मीनिंग है आइडेंटिकल, मतलब नो हराए एक जैसे लिखना. कंफ्यूज मतलब कठिन डिफिकल्ट. क्रिस्पी गुड विच इज नाइसली, मतलब ऐसा भोजन जो अच्छा हो, सूखा हो और कुरकुरा हो. ओवर ईटेड मीन्स ईट टू मच, बहुत ज़्यादा खा लेना. बैटर मतलब अ पेस्ट मेड बाई ग्राइंडिंग थिंग्स, एक पेस्ट जो चीज़ों को ग्राइंड करके बनाया गया हो, कुछ लिक्विड डाल करके. डिलीशियस मतलब टेस्टी. लुक क्रॉसली मतलब गुस्से से देखना. लुक एंग्री. मडल मीन्स कंफ्यूजन भ्रम. ओके, इस तरह से हमारे वर्ड मीनिंग्स भी कंप्लीट होते हैं. आप लोग अपनी कॉपी पर राइट डाउन कर लीजिएगा. लेट्स ट्राई वन पर आते हैं. और लेट्स ट्राई वन हमारी बेस्ट है लुकिंग एट द पिक्चर. पिक्चर को जो ड्राइंग चैप्टर में आपकी पिक्चर्स बनी हुई उन्हें देखना है और इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. जैसा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हु आर द बॉयज इन द पिक्चर ऑन पेज नंबर 13. पेज नंबर 13 की पिक्चर में जो दो बॉयज है ये कौन है? कौन है? वासु एंड प्रभु आर द टू बॉयज इन द पिक्चर. वासु और प्रभु दो लड़के हैं जो पिक्चर में देख रहे हैं. हमारा सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज अम्मा डूइंग इन द सेकंड पिक्चर ऑन पेज नंबर 14. पेज नंबर 14 की सेकंड पिक्चर में अम्मा क्या कर रही हैं? ये देखिए अम्मा क्या कर रही हैं यहाँ पर. अम्मा इज गिविंग डोसा टू वासु. अम्मा वासु को डोसा दे रही हैं, है ना? अम्मा इज गिविंग डोसा टू वासु, है ना? इस तरह से हमारी लेफ्ट ट्राई वन कंप्लीट होती है. लेट्स ट्राई टू पर आते हैं. थिंकिंग अबाउट द स्टोरी, जिसमें हमें स्टोरी के बारे में सोचना है और उसके बाद सेंटेंसेस दिए हुए हैं इन्हें रीड करके ये करेक्ट है ऐसा स्टोरी में है या नहीं है, यस या नो लिखना है. अम्मा एंड अप्पा वर नेवर कंफ्यूज बिटवीन वासु एंड प्रभु. अम्मा और अप्पा वासु एंड प्रभु के लिए कभी कंफ्यूज नहीं होते थे. होते थे तो ये फॉल्स है, इसमें नो लिखेंगे. वासु एंड प्रभु स्टॉप टू चैट विद फ्रेंड्स फॉर अ वाइल. वासु और प्रभु दोनों थोड़ी देर अपने फ्रेंड से बात करने के लिए रुके. नो, केवल वासु रुका था तो नो हो गया. थर्ड वासु एट फाइव टू सास. वासु ने फाइव टू सास खाए नहीं तो प्रभु खा गया था. देन अम्मा मिस्टू वासु फॉर
मिस्टेक से मिस्टेक हो गई और वासु को प्रभु का भी भरोसा दे दिया. यस इट इज करेक्ट. और इसी तरह से अगर स्ट्राइक ए का पहले